हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो ऑन योर फेवरेट यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हाइक। दिस इज प्रेम पांडे और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 8 इंग्लिश के हनीड्यू बुक का चैप्टर नंबर 6, दिस इज जॉडीज फॉन। यह एक जॉडी का हिरन है। अब जॉडी कौन है, उसे उसका हिरन कहां से मिला, अगर आप अब तक ये नहीं जानते हो यार तो इस पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 1 जरूर देखना। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगी, चैप्टर वाइज लिंक मिल जाएगी। एंड एक और सिंपल तरीका है, अगर आपको हमारे चैनल की कोई भी वीडियो चाहिए तो आप जस्ट टॉपिक का नेम या चैप्टर का नेम /educational hikes करके सर्च कर सकते हो। हमारी वीडियो आपको एकदम टकाटक टॉप पे मिल जाएगी। समझ गए ना। अगर नए विजिटर हो तो सब्सक्राइब करना, घंटे को बजाना। चलते हैं पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। अब जिन्होंने पार्ट 1 को पढ़ा होगा, मैंने उन्हें बताया था लास्ट में कि हम पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले पार्ट 1 के कॉम्प्रहेंशन चेक क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो फटाफट इनके आंसर करने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके मिड टर्म एग्जाम्स के लिए। अगर आपका नेक्स्ट मंथ या इसी मंथ इंग्लिश का एग्जाम है तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। बहुत ही इजिली इनके आंसर देने की कोशिश मैंने की है, तो आंसर को जरूर देखना। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि जॉडी के फादर को क्या हुआ है इस चैप्टर में। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि जॉडी के फादर को एक सांप ने काट लिया है, रैटल स्नेक ने काट लिया है। तो इसी चीज को हमें इंग्लिश में लिखना है। हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे Jody's father had beaten by a rattlesnake. समझ गए ना। क्वेश्चन नंबर 2 इज कि हाउ डिड द डो सेव पेनीज लाइफ। एक हिरनी ने कैसे जॉडी के पापा, जिनका नाम क्या था पेनी, इनकी जिंदगी कैसे बचा ली। तो सिंपल सी बात है, जब सांप ने काटा पेनी को तो पेनी ने क्या किया। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई रैटल स्नेक काट ले आपको तो आप किसी हिरनी के हर्ट और लीवर का प्रयोग करके अपने जहर को अपने बॉडी से निकाल दो, आप ठीक हो जाओगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो सेम पेनी ने भी ऐसा ही किया और हिरनी को मार दिया। इस तरीके से उस हिरनी ने पेनी की जान बचा ली। अगर इसी चीज को हमें इंग्लिश में कहना हुआ तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे पेनी यूज्ड हर्ट एंड लीवर ऑफ द डो टू ड्रॉ आउट पॉइजन फ्रॉम हिज बॉडी। इन दिस वे वी कैन से दैट डो सेव्ड पेनीज लाइफ। समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 3 इज कि व्हाई डज जॉडी वांट टू ब्रिंग द फॉन होम। जॉडी उस हिरन के बच्चे को घर क्यों लाना चाहता था। कौन से हिरन के बच्चे को, जिसकी मां को इन लोगों ने मार दिया था और उनके हर्ट और लीवर का यूज करके जहर निकाला था। ठीक है। अब उसका एक बच्चा भी था जिसको हम फॉन कह रहे हैं यहां पर। अब जॉडी जो कि पेनी का बेटा है, वो इस हिरन के बच्चे को घर क्यों लाना चाहता था, क्योंकि जॉडी सोचता था कि ये तो बहुत बड़ी एहसान फरामोशी होगी कि अगर उस छोटे से बच्चे को वहीं जंगल में भूखा मरने के लिए छोड़ दें, क्योंकि उसकी माँ को तो हमने मार दिया है अपनी यूज के लिए। अब बेचारे उस बच्चे का क्या इसमें कसूर है या दोष है, वो क्यों भूखा मरे। इसलिए जॉडी उस छोटे से फॉन को अपने घर पर लाना चाहता था। इसको हम इंग्लिश में कहना चाहे तो क्या कहेंगे, हम कहेंगे जॉडी वांटेड टू ब्रिंग द फॉन होम एस ही थॉट दैट इट वाज अनग्रेटफुल टू लीव द फॉन टू स्टार्व एट जंगल। समझ में आया। ये बहुत बड़ी एहसान फरामोशी होगी कि अगर उस हिरन के बच्चे को वहीं जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया। नाउ फोर्थ क्वेश्चन क्या है, हाउ डज जॉडी नो दैट द फॉन इज अ मेल। जॉडी को कैसे पता चलता है कि वो जो हिरन का बच्चा है वो एक मेल है। तो मैं आपको पहले हिंदी में बता देता हूं कि जॉडी के फादर ने ना बताया था जॉडी को कि अगर कोई भी हिरन का बच्चा हो, अगर उसकी स्किन पर, उसके बॉडी पर जो काले काले धब्बे होते हैं, जो स्पॉट्स होते हैं, अगर वो एक लाइन में है तब तो वो मेल हिरन है, और अगर वो डिफरेंट डायरेक्शंस में है तो वो फीमेल हिरन है। इसको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, इंग्लिश में हम कहेंगे कि Jody's father suggested Jody that in a male fawn the spots were all in line, but in a female fawn the spots were in different डायरेक्शंस। सिंपल सा क्वेश्चन है। इन दिस वे जॉडी रियलाइज्ड या कह सकते हो कि केम टू नो, कह सकते हो कि इस तरीके से जॉडी को पता चला कि वो एक मेल हिरन है। ठीक है, चलो ना अब हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर का। ये पूरा चैप्टर पार्ट 1, 2, 3 में डिवाइडेड है। 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, 2 अभी मैं पढ़ा रहा हूं आपको, और 3 मैं जल्द ही अपलोड करूंगा। दैट मीन्स कि आज या कल मॉर्निंग तक अपलोड करने की कोशिश करूंगा। नाउ जॉडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ द फॉन। जॉडी क्या करता है ना, गेव हिमसेल्फ ओवर टू, इसका मतलब क्या होता है, वो पूरा समय केवल फॉन के बारे में सोचता रहता है। ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है टू स्पेंड ऑल द टाइम थिंकिंग अबाउट समवन। तो जॉडी ना पूरा समय उस फॉन के बारे में ही सोचता रहता है। दे पास्ड द अबैंडन्ड क्लियरिंग, और इसी बीच मिलविल और जॉडी घोड़े पर बैठकर ना एक बहुत बड़े से साफ सुथरे मैदान से होकर गुजरते हैं। तभी जॉडी कहता है कट टू द नॉर्थ मिलविल, यहां से उत्तर की दिशा में मुड़ जाओ, यहां से नॉर्थ साइड में मुड़ जाओ मिलविल। इट वॉज अप हियर, ये वो जगह आगे ही है दैट पा गॉट बीटन बाय द स्नेक, जहां पर पा को ना सांप ने काटा था, वो जगह आगे ही है। और पा ने यहीं पर उस हिरन को, उस डो को मारा था, किल किया था, ताकि उसके हार्ट और लीवर को अपने शरीर से पॉइजन निकालने के लिए यूज कर सके। एंड आई सॉ द फॉन, और मैंने उस हिरन के बच्चे को वहीं पर देखा था कि वो वहीं पर खड़ा था, वो जगह आ चुका है। सडनली जॉडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलविल विथ हिम, लेकिन अचानक जॉडी की इच्छा नहीं होती। अनविलिंग का मतलब उसका मन नहीं करता कि वो मिलविल के साथ और आगे जाए। क्यों? क्योंकि इफ द फॉन वॉज डेड, क्योंकि वो सोचता है अगर वो हिरन का बच्चा उसे मिला नहीं या वो मर गया हो, ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन, वो नहीं चाहता था कि मिलविल उसकी निराशा को देखे, उसकी डिसअपॉइंटमेंट को देखे। एंड और दूसरी तरफ ये भी था कि इफ द फॉन वॉज देयर, और अगर जॉडी को फॉन मिल जाता है तो जो मीटिंग होगी जॉडी और उस हिरन के बच्चे का, वो इतनी प्यारी होगी, इतनी सीक्रेट होगी कि जॉडी की हिम्मत नहीं होती। जॉडी कुड नॉट इंड्योर टू शेयर इट, जॉडी की हिम्मत नहीं होती कि वो इस प्यारे से लम्हे को किसी और के साथ भी शेयर करे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। He said, "It's not far now, but the scrub is very thick for a horse. I can make it on foot." जॉडी कहता है कि मिलविल अब ज्यादा दूर भी नहीं है, और आगे की जो भी झाड़ियां हैं, जो भी पेड़ पौधे हैं, स्क्रब का मतलब होता है वेजिटेशन, जो जंगल में झाड़ियां घास फूस हैं, वो इतनी घनी है कि वहां से घोड़ा नहीं जा सकता है। आई कैन मेक इट ऑन फूट, मैं पैदल ही चला जाऊंगा। अब मिलविल क्या कहता है, मिलविल कहता है बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय, बच्चे मुझे तुम्हें ना अकेले छोड़ने में बहुत डर लग रहा है। क्यों? सपोज यू गॉट लॉस्ट और गॉट बीटन बाय द स्नेक टू, मान लो कि तुम भी कहीं खो गए जंगल में, या तुम्हें भी कहीं सांप ने काट लिया, तो मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूंगा, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को क्या बोलूंगा। ठीक है, जॉडी क्या कहता है कि आई विल टेक केयर, मैं अपना ख्याल रख लूंगा। इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फॉन, शायद हो सकता है कि मुझे बहुत लंबा समय लग जाए उस हिरनी के बच्चे को ढूंढने में। इफ ही इज वॉन्डर्ड, अगर वो यहाँ कहीं इधर उधर चला गया होगा। वॉन्डर्ड का मतलब क्या होता है, इधर उधर चले जाना। ठीक है, लीव मी ऑफ राइट हियर, आप मुझे बस यहीं पर छोड़ दो, मैं जॉडी को अकेले ही ढूंढ लूंगा। मिलविल कहता है कि ऑल राइट बट यू टेक इट इजी नाउ, चलो ठीक है अब तुम आराम से जाओ, इजी नाउ एकदम रिलैक्स हो जाओ और आराम से जाओ, मैं तुम्हारे साथ अब नहीं जाऊंगा। यू नो नॉर्थ हियर एंड ईस्ट, क्या तुम्हें यहाँ पर पता है कि नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ है, ईस्ट डायरेक्शन कहाँ है। अब जॉडी कहता है कि हाँ मुझे पता है, और जॉडी अपने हाथों से इशारा करते हुए कहता है देयर एंड देयर, वो देखो नॉर्थ उस तरफ है और ईस्ट उस तरफ है। दैट टॉल पाइन मेक्स अ बियरिंग, जहां पर जॉडी खड़ा रहता है ना, वहीं पर कुछ लंबे लंबे ना पाइन, देवदार के पेड़ होते हैं। पाइन के ट्रीज कैसे होते हैं, बहुत लंबे लंबे पेड़ होते हैं। तो जॉडी कहता है कि ये जो पाइन के ट्रीज है ना, ये मेरे लिए किसका काम करते हैं, ये मेरे लिए बियरिंग का काम करते हैं। बियरिंग का मतलब क्या होता है, बियरिंग का मतलब होता है कंपस। कंपस का मतलब पता है ना, जो डायरेक्शन दिखाते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो जॉडी कहता है ये जो लंबे लंबे पाइन के पेड़ है ना, वो मेरे लिए बियरिंग का काम करते हैं, कंपस का काम करते हैं, दिशा दिखाने का काम करते हैं। अब मिलविल उन पेड़ों को देखता है और कहता है सो लॉन्ग, कितने लंबे लंबे पेड़ हैं। जॉडी कहता है यस सो लॉन्ग, हाँ मुझे पता है काफी लंबे पेड़ हैं मिलविल। आई एम ऑब्लाइज्ड, चलो ठीक है अब आप जा सकते हो। आई एम ऑब्लाइज्ड मतलब मैं आपका एहसान मंद रहूंगा, मैं आपका ग्रेटफुल रहूंगा कि आपने मुझे जंगल तक छोड़ा। अब उसके बाद क्या होता है, मिलविल वहां से चला जाता है और जॉडी वेटेड, जॉडी इंतजार करता है और तब तक इंतजार करता है जब तक जो घोड़ों के खुरों की आवाज होती है। हूव्स का मतलब क्या होता है, हॉर्स शू। ये जो चीज दिख रही है आपको ये है घोड़े का हुव, ठीक है, और इससे आवाज आती है ना टक 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 टक। तो जब तक आवाज खत्म नहीं हो जाती, मतलब जब तक पूरी तरीके से जॉडी को ये नहीं तसल्ली हो जाती कि मिलविल चला गया है, तब तक वो वहीं पर खड़ा होकर इंतजार करता है। देन कट टू द राइट, और उसके बाद वहीं से राइट साइड में मुड़ जाता है। द स्क्रब वॉज स्टिल, जैसे जैसे जॉडी आगे जाता है वो देखता है कि जो जंगल के वेजिटेशन है, स्क्रब का मतलब क्या होता है वेजिटेशन, जो वहां पर पेड़ पौधे हैं, जो झाड़ियां हैं ना, वो एकदम शांत हैं, बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है, एकदम सन्नाटा है। Only his own crackling of twigs, केवल एक आवाज आ रही थी। जब जॉडी चल रहा था ना तो जो पतली पतली टहनियां थी, जो सूखी सूखी टहनियां थी ना, वो उसके पैरों से कुचल रही थी, जिससे टूटने की आवाज आ रही थी, क्रैकलिंग की आवाज आ रही थी। और केवल यही आवाज साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस, पूरे सन्नाटे में केवल यही एक आवाज आ रही थी। He wondered for an instant if he had mistaken his direction. जॉडी तो एक पल के लिए सोचता है कि क्या वो कहीं पर दिशा तो नहीं भूल गया, किसी दूसरे डायरेक्शन में तो नहीं आ गया। लेकिन तभी क्या होता है, देन अ बाज़ार्ड रोज इन फ्रंट ऑफ हिम, तभी जॉडी के सामने ना एक बाज़ार्ड, एक बाज, ये एक शिकारी पक्षी होती है, ये उसके सामने से उठती है, जॉडी के सामने से उठती है। एंड फ्लैप्ड इनटू द एयर, और हवा में उड़ जाती है। जॉडी कहता है यार कुछ तो गड़बड़ है, वहां पर ये क्या कर रही है, ये बाज़ार्ड पक्षी वहां पर क्या कर रही है, क्योंकि ये तो मांस खाते हैं, ठीक है, और इसलिए जॉडी वहां पर देखने के लिए जाता है। He came into the clearing, जॉडी आगे जाता है, एक साफ सुथरे एक खाली जगह पर पहुंचता है। और ये जगह कहां पर रहती है, ओक के पेड़ के नीचे। ओक का पेड़ मतलब क्या होता है, बलूत का पेड़, ये पेड़ देख रहे हो ना आप, ये ओक का पेड़ है। इसी पेड़ के नीचे एक खाली जगह थी, वहां पर जॉडी जाता है। जॉडी क्या देखता है, जॉडी देखता है कि बजर्ड सैट इन अ सर्कल अराउंड द कैराकॉस ऑफ द डो। जो बाज हैं, जो पक्षियां हैं ना, जो शिकारी पक्षियां हैं, वो इस डो, इस हिरनी के डेड बॉडी के चारों तरफ गोला लगाकर बैठी हुई हैं और उस हिरनी के मांस को खा रही हैं। They turned their heads on their long scrawny necks and hissed at him. अब क्या होता है, जैसे ही वो पक्षियां नोटिस करती हैं कि जॉडी उनके पीछे है, वो क्या करती हैं, वो अपना हेड टर्न करती हैं और अपनी लंबी पतली गर्दन, लॉन्ग का मतलब लंबी, स्क्रॉनी का मतलब थिन और नेक का मतलब गर्दन, जो उनकी लंबी पतली गर्दन होती है उसको वो पीछे जॉडी की तरफ घुमाकर देखती हैं और जॉडी को डराने की कोशिश करती हैं। हिस्ड एट हिम, हिस्ड का मतलब क्या होता है, जो हमारे स्नेक होता है वो हिस ही तो करता है ना, फुफकारता है ताकि हम लोग डर जाएं। तो सेम वैसे ही वो जो बाज थी, वो जो बजार्ड्स थी ना, वो जॉडी को देखकर हिस्ड कर रही थी ताकि जॉडी यहाँ से चला जाए और वो आराम से उस हिरनी के मांस को खा सके। लेकिन जॉडी काफी बहादुर था। He threw his paw at them. जॉडी क्या करता है, जॉडी अपना एक छोटा सा पतला सा डंडा लिया रहता है, स्टिक लिया रहता है, उस स्टिक को वो उन पक्षियों के ऊपर फेंक देता है। एंड दे फ्लू इनटू एन एडजेसेंट ट्री, और जैसे ही वो स्टिक उन पक्षियों के ऊपर पड़ती है वो उड़कर अगल बगल के पेड़ पर जाकर बैठ जाती हैं। द सैंड शोड लार्ज कैट प्रिंट्स, अब जॉडी नीचे, चूंकि जंगल था तो जंगल में बालू ही तो होते हैं ना, तो बालू पे कुछ निशान पड़े हुए थे। जॉडी देखता है, जॉडी क्या देखता है, बड़े निशान थे, लार्ज निशान थे, लार्ज प्रिंट्स थे, बड़े बड़े निशान थे। और किस चीज के निशान थे, कैट के पंजों के निशान थे। कैट का मतलब जो हमारे घरों में बिल्ली होती है वो नहीं, कैट फैमिली में और भी बहुत सारे जानवर होते हैं, जैसे लेपर्ड हो गया, ठीक है। तो जॉडी देखता है कि वहां पर लेपर्ड के पंजों के, यहाँ पर लेपर्ड बताया नहीं गया है बट हम मान के चलेंगे कि जो बड़ी कैट होती है, जो बड़ी बिल्लियां होती हैं, उनके पंजों का निशान उसके अगल बगल छपा हुआ था। बट द बिग कैट स्किल्ड फ्रेश, लेकिन जॉडी जानता था कि जो बड़ी बिल्लियां होती है जैसे लेपर्ड हो गया और जो टाइगर हो गया, वो केवल और केवल ताजा शिकार को मारकर खाता है, मतलब उसने जानवर को मारा तभी खाएगा वो, किसी मरे हुए जानवर को ये लोग नहीं खाते हैं। और इसी लिए यही कारण था कि दे हैड लेफ्ट द डोर टू द कैरियन बर्ड्स, कि वे जो शिकारी बिल्लियां थीं उन्होंने इस हिरनी के मांस को नहीं खाया और इन कैरियन बर्ड्स के लिए छोड़ दिया। कैरियन बर्ड्स क्या होते हैं? कैरियन बर्ड्स का मतलब होता है सड़े हुए मांस खाने वाली पक्षियां, जैसे हमारा वल्चर हो गया, वल्चर जानते हो ना, चील, हमारा बजर्ड हो गया, बाज, ये सारी पक्षियां ऐसी हैं जो सड़े हुए मांस को खाती हैं या जो सड़े हुए जानवर के मांस को खाती हैं। तो इन बड़े बड़े बिल्लियों ने, जैसे लेपर्ड ने, इस मांस को तो खाया नहीं क्योंकि वो फ्रेश मांस को खाते हैं, इसलिए कैरियन बर्ड्स के लिए उन्होंने उस डो, उस हिरनी के मांस को छोड़ दिया। ठीक है, अब आगे क्या होता है? अब जॉडी ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फॉन। जॉडी ने क्या किया? जॉडी ने पार्टेड, पार्टेड का मतलब क्या होता है? मूव्ड और पुश्ड असाइड। यहां पर हम हिंदी में कहें तो जॉडी ने क्या कर दिया? अगल बगल की घास को साफ कर दिया जिस जगह पर उसने फॉन को देखा था। जहां पर पहली बार फॉन को देखा था ना जॉडी ने, सबसे पहले तो उस जगह को साफ कर दिया उसने। इट डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट इट वाज ओनली यस्टरडे। ऐसा देखकर बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि ये घटना बिल्कुल कल की ही है, क्योंकि जो हिरनी थी वो बिल्कुल से उसके मांस को पक्षियां खा चुकी थी और पता ही नहीं चल रहा था कि ये अभी हिरनी कल ही मरी है, ऐसा लग रहा था बहुत दिन हो गए। ठीक है, द फॉन वॉज नॉट देयर। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी जॉडी के लिए? जो मर गया वो मर गया, लेकिन उस हिरनी का जो बच्चा है, जो फॉन है, वो वहां पर नहीं था। ही सर्कल्ड द क्लियरिंग, और इसलिए जॉडी ने क्या किया? उस क्लियरिंग को, क्लियरिंग का मतलब जहां पर उस हिरनी की लाश पड़ी हुई थी, उसको गोला लगा दिया ताकि जो बजर्ड्स हैं, जो बाज हैं, वो दोबारा आकर ना खा सके। देयर वॉज नो साउंड नो साइन। अब जॉडी बड़ा परेशान है क्योंकि ना तो कोई आवाज आ रही है, ना ही उसे कोई इशारा मिल रहा है कि फॉन गया तो गया कहाँ। द बजार्ड्स क्लैक देयर विंग्स। अब जो पक्षियां थी, जो बजार्ड्स थे, वो अपने पंखों को फड़फड़ा रहे थे, वो वापस अपने बिजनेस में आना चाहते थे। इम्पेशेंट टू रिटर्न देयर बिजनेस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो वो काम कर रही थी, वो पक्षियां, वो क्या कर रही थी? वो हिरन के मांस को खा रही थी। तो वो सोच रही थी कि जल्दी जॉडी यहाँ से जाए और वो वापस उस मांस को खा सके, इसलिए वो अपने पंखों को फड़फड़ा रही थी ताकि जॉडी वहां से चला जाए। ठीक है, अब जॉडी क्या करता है? He returned to the spot where the fawn had emerged. अब जो जॉडी होता है ना, वो वापस उसी जगह पर आ जाता है जिस जगह को वो अभी जस्ट सर्कल करके गया है, जिस जगह पर उसने फॉन को सबसे पहली बार इमर्ज होते हुए, मतलब सबसे पहली बार जहां पर फॉन देखा गया था, वहीं उसी जगह पर जॉडी वापस लौट जाता है। एंड ड्रॉप्ड ऑन ऑल फोर्स, और अपने दोनों हाथों को नीचे रख लेता है जमीन पे, अपने दोनों घुटनों को जमीन पे रख लेता है। क्यों? स्टडीइंग द सैंड फॉर द स्मॉल हूफ प्रिंट्स, क्योंकि जॉडी देखना चाहता था कि क्या कहीं छोटे छोटे खुरों के निशान भी हैं क्या। खुर का मतलब क्या होता है? हुफ। जैसे घोड़े के पास हुफ होती है ना, वैसे ही फॉन के पास भी छोटी छोटी हुफ होती है। अब जॉडी उस फॉन को ही ढूंढ रहा था, तो जॉडी सोचता है कि क्या उस फॉन के जो, यहां पर जैसे समझ लीजिए हमारे पंजे है ना, वैसे ही उस फॉन के पास हुफ होते हैं। ठीक है, तो यहां पर जॉडी देख रहा था कि क्या कहीं इस बालू में उस हुफ के निशान भी हैं क्या, ताकि जॉडी को पता चल सके कि वो जो फॉन है वो किस डायरेक्शन में गया है। ठीक है, द नाइट्स रेन हैड वॉश्ड, लेकिन जॉडी की नसीब इतनी खराब थी कि पिछली रात हो गई थी बारिश, और जिसकी वजह से जितने भी निशान थे, जितने भी रास्ते थे, जितने भी ट्रैक्स थे, वो सब मिट चुके थे। ठीक है, क्यों मिट चुके थे? क्योंकि बरसात हुई थी भाई, अब पानी है तो सारे निशान धुल जाएंगे। एक्सेप्ट दोज, केवल वही निशान बचे थे जो सुबह बिल्लियां आई थी और जो इन बाज पक्षियों के पैरों के निशान थे, केवल यही दो निशान बचे हुए थे। कल का कोई भी निशान नहीं बचा हुआ था। क्यों नहीं बचा हुआ था? क्योंकि द नाइट्स रेन मतलब रात में बारिश हुई थी। ठीक है, तो आई होप आपको पार्ट 2 अच्छे से समझ में आ गया होगा यार। और पार्ट 1 की तरह हम इस पार्ट का भी जो कंप्रहेंशन चेक क्वेश्चंस है उसको आपको नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करने से पहले ही बता देंगे। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए और आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा यार चैप्टर को पढ़ने में। हम साइंस की वीडियोज भी जल्दी अपलोड करेंगे, आज या कल मॉर्निंग तक वीडियोज अपलोड हो जाएंगी ऑफ चैप्टर नंबर 10 एज ऑफ एडोलसेंस। तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।